हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कल्पना इंडस्ट्री लिमिटेड शेयर की। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा शेयर है जो भी मिल रहा है आपको 32 रुपये के आसपास। तो फ्रेंड्स, इस शेयर के लिए एक रिक्वेस्ट आई थी हमारे सब्सक्राइबर की। उन्होंने पूछा कि सर इसके बारे में बताइए। तो फ्रेंड्स, आज उन्हीं की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बनाई जा रही है। तो जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में कि कहाँ पर हमें इसको बाय करना है और कहाँ पर इसको सेल करने हैं, यानी कि दोस्तों कहाँ पे हम इसको बाय कर सकते हैं, किस रेंज में और किस रेंज में हम इसको सेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पे आपको मिलती है सटीक जानकारी किसी भी शेयर के बारे में। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं के कल्पना इंडस्ट्री लिमिटेड शेयर की। अगर फ्रेंड्स इसके पीछे 6 महीने के कामकाज की बात करें तो 6 महीने पहले ये शेयर लगभग 60 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहीं दोस्तों आज ये शेयर लगभग 32 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी आपको ये शेयर लगभग आधे दाम में, यानी दोस्तों 60 रुपये से 32 रुपये तक का नीचे आ चुका है और अभी आपको शेयर आधे दाम में मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, क्या बिल्कुल सही समय है इस शेयर को बाय करने का या इसके अंदर एंट्री लेने का? उससे पहले दोस्तों, अगर हम ऑल ओवर चार्ट की बात करें तो अप्रैल 2020 में ये शेयर लगभग 13 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था और वहाँ से इस शेयर ने लगभग 60 रुपये के आसपास का जंप मारा, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया था इसने। लेकिन आज दोस्तों ये लगभग 30 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर फ्रेंड्स हम कंपनी के फंडामेंटल चार्ट की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप है 300 करोड़ के आसपास का, फेस वैल्यू 2 रुपये की है और बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू है इसका 39 रुपये 11 पैसे, जो कि दोस्तों अपने बुक वैल्यू से 6-7 रुपये सस्ता मिल रहा है। और EPS 5.41 का है और कंपनी साथ में डिविडेंड भी देती है। और फ्रेंड्स, अगर हम इसमें वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इसमें सेलिंग का ज़्यादा दिख रहा है हमें और बाइंग का कम दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी ये शेयर थोड़ा सा और भी नीचे आ सकता है। और फ्रेंड्स, अगर हम कम्युनिटी सेंटीमेंट्स की बात करें तो 100% लोग इसको बाय करने से बात दे रहे हैं। और फ्रेंड्स, अगर हम कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो जो कंपनी का रेवेन्यू है 2017 से लेकर 2021 तक का एक एवरेज में है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। और फ्रेंड्स, अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी एक एवरेज में है, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव साइन है। और फ्रेंड्स, अगर हम EPS की बात करें तो EPS भी हमें यहाँ पर एक एवरेज में दिख रहा है, ये भी एक पॉजिटिव साइन है। और फ्रेंड्स, अगर हम इसके ROE की बात करें तो ROE भी हमें यहाँ पर एक एवरेज में दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल कंपनी का जो बैलेंस शीट है और जो कंपनी का फंडामेंटली है वो अभी एवरेज में है, यानी दोस्तों आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं 30 रुपये के आसपास। जी हाँ दोस्तों, 30 रुपये के आसपास आप बाइंग कर सकते हैं। सबसे मेन पॉइंट, जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो लगभग 75% के आसपास की है और पब्लिक की होल्डिंग इसमें लगभग 25% के आसपास की है। दोस्तों, एक और पॉजिटिव चीज़, जो प्रमोटर के पास होल्डिंग है उसमें से एक भी शेयर उन्होंने प्लेज नहीं करे हुए, यानी फ्रेंड्स गिरवी नहीं रखे हुए और ना ही उन्होंने कम करे हैं, जो कि हमें यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन दिख रहा है। बाकी फ्रेंड्स, आप यहाँ पे कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं, कंपनी किस सेक्टर में है और किस चीज़ में डील करती है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे 30 रुपये के आसपास बाइंग कर सकते हैं और जो आपका टारगेट रहेगा वो रहेगा लगभग 50 रुपये के आसपास। और फ्रेंड्स, सबसे मेन पॉइंट, यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है तो आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर मात्र 100 करोड़ के आसपास का कर्जा है, जो कि दोस्तों यहाँ पे भी हमें एक पॉजिटिव साइन दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया है आपको कहाँ पे बाय करना है और कहाँ पे सेल करना है। और फ्रेंड्स, अगर हम कंपनी के 52 वीक हाई एंड लो की बात करें तो लगभग 28 रुपये के आसपास का कंपनी का लो बना हुआ है और 63 रुपये के आसपास का 52 वीक हाई है,
तो फ्रेंड्स 30 रुपये के आसपास का इसमें सही समय हो सकता है इसको बाय करने का। तो दोस्तों अगर आपको किसी और शेयर के बारे में पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शेयर के साथ, तब तक फ्रेंड्स अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।